दूधपेड़ा नाम के गांव में सभी दूध वाला ही रहा करते थे। हर रोज सुबह वो अपनी भैंस से दूध निकालते थे। बाद में उस दूध के कैंस को नंदलाल नाम के व्यापारी को बेचते थे। नंदलाल बहुत लालची था। वो उन दूध वालों से कम दाम में दूध खरीद कर ज्यादा भाव लगाकर डायरी फार्म वालों को बेचता था। एक दिन एक आदमी ने, ये क्या साहब, 10 रुपए ही दे रहे, मार्केट में तो इसे 50 रुपए ले रहे, ये सरासर अन्याय है साहब। क्या रे, क्या बात कह रहा है, मतलब मैं तुम लोगों को धोखा दे रहा हूँ ये सोच रहा है? इस बीच लोग सभी दूध पीना छोड़ दिए, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी वगैरह पी रहे। मालूम है तुझे, मुझे मुनाफा ना मिलने के बावजूद मैं तुम लोगों के दूध को 100-100 किलोमीटर दूर ले जाकर बेच रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ही शक खा रहा है। आज से आप लोगों के पास दूध नहीं खरीदूंगा, जाइए। कल से आप लोग दूध कैसे बेचोगे मैं भी देख लूंगा। दूध वाले सभी डर गए। सब लोग उसे माफ करो कहकर प्रणाम किए। वैसे वो नंदलाल उन दूध वालों के पास बहुत पैसा कमाने लगा। एक दिन उस गांव में एक बड़ी भैंस आई। लोग उसे देखकर चौंक गए। वहां पे नंदलाल भी था। तब वो भैंस, दूध पे राजे ग्रामवासियों, मैं एक मायावी भैंस हूँ। आपके गांव में सभी लोग दूध के ऊपर ही जीवन यापन करते हैं सुन के यहाँ पे आई हूँ। आप में से मुझे जो कोई भी खरीदेगा मैं उसे दिन का 1000 लीटर दूध दूंगी, चाहिए तो ये देखो। बस उसके स्तन से दूध फायर इंजन के तरह निकलकर गांव वालों के ऊपर गिरा। सभी लोग आश्चर्य हो गए। माते, आप माया भी भेज बोल रही हो, खरीदने के लिए भी बोल रही हो, पैसों से आपको क्या जरूरत है? मेरे घर पे आ जाइए, मैं आपको जितना चाहिए उतना चारा डालूंगा। ओए मूर्ख, तेरी दुर्बुद्धि मेरे सामने मत दिखा, यहीं पे तुझे कुचल दूंगी। छोटे बच्चों के पास चॉकलेट चुरा कर लेकर जाते हैं, तुझ जैसे चोर होते हैं ये जानकर ही मैं एक रेट फिक्स की। जो इंसान जाकर पहले मेरे अकाउंट में 50 लाख डालेगा मैं उसी पल उसी की हो जाऊंगी, सोच लीजिए, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं माते, वैसा मत करो, मैं अब भी जाके पैसे लेकर आता हूँ। वैसे तेरा अकाउंट किस बैंक में है माते? ओए मूर्ख, अकाउंट मतलब मेरा मुंह है रे, पैसे लाकर मेरे मुंह में डाल। नंदलाल तुरंत जाकर पैसे लाकर उसके मुंह में डाला। वो खुशी खुशी उस मायावी भैंस को घर पे लेकर गया। वहां पे रहा दूध टैंकर के ड्राइवर से नंदलाल। ओए जल्दी इस भैंस में से 1000 लीटर दूध निकाल कर इस टैंकर में डालकर डायरी फार्म लेकर जा। क्या साहब आप बात कर रहे हैं, क्या आप न्यूज नहीं देखते? आज सुबह से पूरे देश में लॉकडाउन है। छा, क्या ठीक यही समय पे लॉकडाउन करना था? सोचा उतने में भैंस, क्यों नंदलाल दूध छोड़ना है? नहीं नहीं माते, तुम अगर अभी दूध छोड़ोगी तो भी बेचने के लिए सब बंद है, सारे हाईवेज बंद कर दिए। अगर रोज खरीदे सामान बेचने के जैसे सोचे तो इस कंबक्ट टैंकर को परमिशन ही नहीं है, अगर लेकर जाऊं तो हम पे केस ठोप देंगे। तो फिर तू और तेरे काम वाले मेरे ऊपर चढ़कर बैठो, मैं ही तुम लोगों को डायरी फार्म लेकर जाऊंगी, वहीं पे दूध निकालो, भैंस को तो कोई भी पुलिस रोक नहीं सकता ना। तुरंत उस भैंस के खिड़की और दरवाजे खुले। नंदलाल चौंक गया। बोली थी ना कि मैं एक मायावी भैंस हूँ, मैं तुमको बस जैसा उपयोग भी हो जाऊंगी, चेक पोस्ट आते ही खिड़कियाँ बंद कर दूंगी, अब छोड़ो। तब नंदलाल उसे प्रणाम करके, चलो रे जल्दी जाके बैठते हैं। वैसे नंदलाल और उसके काम वाले सभी उसमें चढ़े। वैसे सड़क पे भैंस पैदल जा रही थी, उतने में एक चेक पोस्ट आया। वहाँ पे खड़े SI कांस्टेबल उस बड़े से भैंस को देखकर आश्चर्य हो गए। भैंस आकर चेक पोस्ट के पास रुकी। SI उस भैंस को ठीक से जांचने लगा। उतने में क्रांति नाम का आदमी उस भैंस का इंजन बंद कर दिया। क्रांति उस 50 लाख का बैग को लेकर वहाँ से भाग गया। तब SI कांस्टेबल से, क्यों भाई ये भैंस यहाँ से हिल क्यों नहीं रही है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी होने का संदेह है, कहकर कहकर चिल्लाया। वो भैंस वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी।
उतने में उस खिलौने के भैंस के खिड़की खुले। ऐसा ही नंदलाल और उसके लोगों को देखकर आश्चर्य हो गया। उन्हें नीचे उतार के, क्यों रे, लॉकडाउन में इतनी चालाकी से तूने प्लान किया, मतलब स्मगलिंग करने के लिए ही होगा। क्या स्मगलिंग करने जा रहा है रे, गांजा या गुटखा? इसमें प्लानिंग कुछ भी नहीं है सर, वो एक मायावी भैंस है सर, दिन का 1000 लीटर दूध देती है, उसे बेचने के लिए ही निकले बस। क्या हुआ, मायावी भैंस है? एक बड़ा भैंस का खिलौना तैयार करके उसमें इंजन लगा के पुलिस की आंखों में धूल ढोकना चाहता है? ओए, तुझे तो मैं जेल में डाल के 3rd degree इंट्रोगेशन करूंगा। नंदलाल को धोखा हुआ उस बात का एहसास उसे हो गया।